हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप व्हाट्सएप को या फिर व्हाट्सएप पर अपनी किसी भी खास चैट को सीक्रेट रखने के लिए कैसे लॉक लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दोनों मेथड्स डिटेल के साथ बताऊंगा। फर्स्ट मेथड में आपको किसी एक खास चैट को लॉक लगाने का तरीका सिखाऊंगा और सेकंड मेथड में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप पूरी की पूरी व्हाट्सएप को ही लॉक लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगा सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। किसी भी चैट को लॉक लगाने के लिए आपने उसको सिलेक्ट करने के लिए उस पर थोड़ा सा क्लिक करके रखना है। फिर जैसे ही आपकी चैट सिलेक्ट हो जाएगी आपने ऊपर बने हुए 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ ऑप्शन शो होंगे, आपने यहाँ से लॉक चैट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने चैट को लॉक करने के लिए कंटिन्यू की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने बायोमेट्रिक का ऑप्शन शो होगा, आपने बायोमेट्रिक करने के लिए अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन कर लेना है। इस तरह आपकी चैट लॉक हो जाएगी और ये आप देख सकते हैं कि मेरी चैट लॉक हो चुकी है। अब आपने जब भी अपनी चैट को ओपन करना है तो आपने लॉक्ड चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप जब भी अपनी चैट को ओपन करना चाहेंगे तो आप अपने फिंगरप्रिंट के जरिए से ही इसे अनलॉक कर सकेंगे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। क्या आप अपनी चैट को मजीद सीक्रेट रखना चाहते हैं और आप ये नहीं चाहते कि आपके सामने लॉक्ड चैट का ऑप्शन शो हो? और यकीनन आप यही चाहेंगे कि आपकी चैट लॉक तो हो जाए लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का ऑप्शन शो ना हो। और चैट को मजीद सीक्रेट करने के लिए आपने करना यह है कि आपने लॉक्ड चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी चैट को अनलॉक कर लेना है। उसके बाद आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। फिर आपने चैट लॉक सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने हाइड लॉक्ड चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्रिएट सीक्रेट कोड का ऑप्शन शो होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपनी मर्जी से कोई सा भी सीक्रेट कोड टाइप करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर अगेन आपने वही सीक्रेट कोड टाइप करना है और डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और इस तरह आपकी चैट हाइड हो जाएगी और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी लॉक्ड चैट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। अब आपने अपनी चैट को फाइंड करने और उसे ओपन करने के लिए ऊपर सर्च बॉक्स में वही सीक्रेट कोड टाइप करना है जो कि आपने लगाया था। आप जैसे ही अपना सीक्रेट कोड टाइप करेंगे तो आपके सामने लॉक चैट का ऑप्शन शो हो जाएगा, आपने इस पर क्लिक करके अपनी चैट को ओपन कर लेना है। और दोस्तों, इस तरह आपकी चैट लॉक भी हो जाएगी और सिक्योर भी हो जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पूरी की पूरी व्हाट्सएप को लॉक करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपने अपनी व्हाट्सएप को ओपन करना है और ऊपर बने हुए 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना है। फिर आपने सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, बट आपने यहाँ पर सिर्फ प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगेन काफ़ी सारे ऑप्शन शो होंगे। आपने स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और ऐप लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने अनलॉक विद बायोमेट्रिक का ऑप्शन शो होगा, आपने उसको ऑन कर लेना है। इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपने फिंगरप्रिंट के जरिए से इसे वेरीफाई कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी व्हाट्सएप को जैसे ही बंद करें तो आपकी व्हाट्सएप फ़ौरन लॉक हो जाए तो इसके लिए आपने इमीडिएटली वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप बंद होने के 1 मिनट बाद आपकी व्हाट्सएप लॉक हो तो आपने आफ्टर 1 मिनट वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने शो कंटेंट इन नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को क्लोज कर देना है। फिर आपने बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से बैक हो जाना है या फिर अपनी व्हाट्सएप को ही क्लोज कर देना है। और इस तरह आपकी व्हाट्सएप लॉक हो जाएगी और इसे दोबारा ओपन करने के लिए आपको हमेशा फिंगरप्रिंट की ज़रूरत ही पड़ेगी।